सीनियर शादी मुबारक में आप देखेंगे कि अपने काले रंग को लेकर, अपने डार्क कॉम्प्लेक्स को लेकर प्रीति कितना परेशान होती है, कितनी रोती है। उसके डार्क कॉम्प्लेक्स की वजह से ही उसे जिंदगी में सब कुछ झेलना पड़ा। उसके पति से वो प्यार नहीं मिला जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। हमेशा उसके काले रंग की वजह से उसके पति न उसे कहीं लेके जाते थे, न पार्टियों में लेके जाते थे, ना ही उससे प्यार करते थे। उसका बेटा भी ये बात कहता है कि तेरे काले रंग की वजह से पापा ने तुझसे साथ कभी फोटो ही नहीं खिंचवाई। इतना ही नहीं, यहाँ पर बहू तक एक दिन बेटे से कह रही थी और प्रीति ये बात सुन लेती है कि अगर तुम काले होते तो मैं तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी ना देखती। प्रीति अपने काले रंग को लेकर इतना परेशान होती है क्योंकि यार आज जब वो अपने जॉब के सिलसिले में मीटिंग के लिए जाती है तो वहां उसके काले रंग की वजह से उसे वो प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता। ये इस वजह से प्रीति अपने डार्क कॉम्प्लेक्स को लेके बहुत हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है। वहीं चूंकि कुसुम लौट आई है, कुसुम यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, काले रंग से कुछ भी नहीं, बहुत समझाने की कोशिश करती है। लेकिन प्रीति अपनी जिंदगी में इतनी चीजें झेलती आई है कि वो जल्दी किसी की बात मानने को तैयार नहीं होती। शो में खास बात यह है कि आज जब कुसुम और उनकी बहू जूही जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर बात कर रहे होते हैं तरुण की, तो यहाँ प्रियंका आके तरुण के बारे में बहुत सफाई देती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। जूही को लगता है भला प्रियंका जो तरुण से इतनी नफरत करती थी, उसी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, आज उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें क्यों कह रही है। वो पूछने की कोशिश भी करती है जूही प्रियंका से, पर प्रियंका बात को टाल देती है या उधर उधर घुमा देती है। यहाँ पर जूही को ये बात तो समझ में आ जाती है कुछ तो गड़बड़ चल रहा है या कुछ तो प्रियंका के दिमाग में चल रहा है जो सही नहीं है तरुण को लेके। वहीं आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वुमेन का कॉल आएगा जिन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया है शादी मुबारक को। दरअसल वो प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रीति की वजह से नहीं, केटी की वजह से देती हैं और उनका मीटिंग के लिए फोन आता है और प्रीति नहीं जाना चाहती क्योंकि उस लेडी ने उस दिन प्रीति को कहा कि तुम किसी भी मीटिंग और इन फ्रंट में कहीं भी नजर नहीं आओगी। प्रीति को लगता है अगर ये बात केटी को पता चली तो बहुत नाराज हो जाएंगे। ऐसे में प्रीति उनके सामने ये ड्रामा करती है कि उसका गला खराब हो गया है, वो उनके साथ मीटिंग में नहीं जा सकती। बाद में आप देखेंगे प्रीति घर आती है, माता रानी का जगराता होता है और यहाँ पर वो सबसे बात कर रही होती है। केटी यहाँ पहुंचते हैं, केटी यहाँ प्रीति की इस कंडीशन को देखकर बहुत नाराज हो जाते हैं, गलत फहमी हो जाती है। दरअसल उन्हें लगता है कि मेरे साथ मीटिंग में जाने को तैयार नहीं थी और कहा कि गला खराब है, यहाँ पर तो ये अच्छे से बात कर रही है। आप देखेंगे इस बात के लिए केटी प्रीति पर बहुत चलाएगा और तब जाके केटी को सच का पता चलेगा कि प्रीति उनके साथ मीटिंग में क्यों नहीं आ रही थी। खैर अभी इस शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि सबको जल्द से जल्द पता चल जाए कि प्रियंका तरुण की कैसे मदद की और कैसे उसने प्रीति को धोखा दिया। बस ये ट्विस्ट जल्द से ओपन होना चाहिए।